हेलो हाय, कैसा काय। आज मैं बहुत ही सिंपल सी एग करी की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बहुत ही कम सामान में आप बहुत ही टेस्टी सा एग करी बना सकते हो। करना क्या है, एग को बॉईल करना, उसके बाद बॉईल करने के बाद उसमें कर्ड्स लगा देना, उसके बाद उसमें ये ड्राई मसाला देखो जैसे मैंने मिक्स किया है ऐसा डालने के बाद आप उसको फ्राई करिए। फ्राई करने के बाद इनको निकाल लेना है और उसके बाद फिर से ऑयल थोड़ा सा डाल के उसमें आप प्याज डालिए। प्याज जब अपने ब्राउन हो जाए, ठीक है, प्याज को चलाते रहिए, प्याज जब आपके ब्राउन हो जाए उसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं कट करके। और उसके बाद जब प्याज और हमारे ब्राउन हो जाएंगे तो उसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। ठीक है, ये मैंने पेस्ट डाला। उसके बाद इसमें नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ये सब डाल के मिक्स करिए। इसमें मैंने थोड़ा सा डाला ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा सुहाना का चिकन मसाला पाउडर। इसको भी मिक्स करते जाओ, मिक्स करते जाओ। जब ये थोड़ा सा तेल छोड़ देगा, मतलब ये थोड़ा सा पक रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना। उसके बाद ये फिर से ड्राई हो जाएगा, तो इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और इसको चलाते रहेंगे थोड़ा सा, और ये अच्छे से पक जाए। ठीक है, देखो चलाते जाएंगे। उसके बाद जब ये ऐसे बॉईल आ जाए तो उसके बाद इसमें एग्स डाल देना। एग्स डालने के बाद इसको मिक्स करो। लास्ट में गार्निशिंग के लिए हरा धनिया से सजाइए बढ़िया से, और उसके बाद आपके लिए तैयार।